डियर स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे गैस डायनेमिक्स में मैक एंगल और मैक नंबर पे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कैलकुलेट मैक एंगल एट एम इज इक्वल टू 3.5 एंड मैक नंबर एट मैक एंगल ऑफ 30। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो डेटा दिया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे डेटा गिवन, तो दो कंडीशन है, जब मैक नंबर दिया है तब मैक एंगल निकालना है और जब मैक एंगल दिया है तब हमें मैक नंबर निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन केस वन, व्हेन मैक एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है फार्मूला 1/m। तो यहाँ पे हम साइन अल्फा की जो वैल्यू है ये अल्फा कहलाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/m कर देंगे, तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैक नंबर की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी हमारे पास, यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से मैक नंबर की वैल्यू निकल के आएगी 2। ये हमारा पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस, जब मैक नंबर दिया हुआ है 3.5, जिसे एम से शो करते हैं, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/m। तो 1/m 3.5 और अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/m और यहां पे सबसिक्वेंट साइन इनवर्स 1/3.5। तो अल्फा की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी यहाँ पे 16.60 डिग्री। ये हमारा दूसरे केस के लिए मैक एंगल की वैल्यू हो जाएगी।